दुर्ग रेलवे स्टेशन में जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा मास्क और साबुन का वितरण किया गया, जिसमें एसएसपी और कलेक्टर अभियान में शामिल हुए। वहीं मौजूद कोविड स्टाफ नर्सों का दुर्ग कलेक्टर ने सावधानी व जांच को लेकर दिए दिशा निर्देश। कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए दुर्ग रेलवे स्टेशन पर रविवार को जन समर्पण सेवा संस्था और मीडिया ग्रुप के द्वारा मास्क और साबुन का वितरण किया गया। संक्रमण से बचाव की दिशा में चलाए गए इस अभियान में विशेष रूप से दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, श्रीमती रश्मि भूरे और जिले के एसएसपी बीएन मीणा भी शामिल हुए, जिन्होंने ट्रेन यात्रा कर दुर्ग पहुंचे आगंतुकों को मास्क और साबुन का वितरण किया। कार्यक्रम में दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती डॉक्टर रश्मि भूरे और एसएसपी बद्री नारायण मीणा भी दुर्ग पुलिस की टीम के साथ उपस्थित हुए। सबसे पहले कोविड केयर सेंटर के संबंध में डॉक्टर रश्मि भूरे ने लोगों को जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम में कलेक्टर ने कहा कि किसी भी शहर का आईना होता है रेलवे स्टेशन। जब कोई भी व्यक्ति शहर में आता है तो रेलवे स्टेशन में ही उतरता है और रेलवे स्टेशन से ही उसे पता चल जाता है कि शहर का नागरिक कितना जागरूक है और शहर कितना बेहतर है। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने मीडिया ग्रुप और जन समर्पण सेवा संस्थान के द्वारा चलाए गए अभियान की खुले दिल से तारीफ की। उन्होंने कहा कि सभी के संयुक्त प्रयास से कोरोना की तीसरी लहर से आम जनता को बचाया जा सकता है। उन्होंने शहर के सभी नागरिकों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। हमारे दुर्ग जिले के मीडिया प्रेस ग्रुप द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस ग्रुप द्वारा काफ़ी अच्छे एक मैसेज देने के लिए और लोगों को उसका उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज रेलवे स्टेशन परिसर में ये मास्क का और साबुन का वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। हाथ सफाई पहले से, हैंड वॉश भी पहले से हम लोग काम कर रहे हैं, परंतु अभी कोरोना का लहर जब से आया तब से मास्क एक बहुत ही उपयोगी एक सुरक्षा कवच हम सब लोगों के लिए बना है। तो मैं इस प्रकार की मुहिम को प्रारंभ करने के लिए संस्थान को और हमारे मीडिया साथियों को बहुत बधाई देना चाहूँगा। और अभी वैक्सीनेशन जिले में बहुत हद तक हो चुका है, सबसे दो डोजेस अगर प्रथम डोज की बात करें तो 60% लोगों द्वारा प्रथम डोज लगाया गया है और दोनों डोजेस की बात करते हैं तो 75% तक लोगों ने दोनों डोजेस लगाए हैं। मेरा ये मानना है कि अभी थर्ड वेव में जो माइल्ड हमारे केसेस दिख रहे हैं वो शायद इसी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।